कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री चौथा अध्याय। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे। वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कितने तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ?